जंगल में गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। सवेरे सवेरे टुनटुनी चिड़िया लेमन सोडा का ठेला लेकर उसे बेचने निकल जाती है। लेमन सोडा ले लो, लेमन सोडा, खट्टा मीठा सोडा ले लो, ठंडा ठंडा लेमन सोडा ले लो, और यू मीठी चिंकी पिंकी गोलू गोलू सब आओ। दीदी मुझे खट्टा मीठा लेमन सोडा देना। दीदी मुझे भी एक ठंडा लेमन सोडा देना। अली बा मजा आ गया लेमन सोडा पीकर। ठंडा ठंडा लेमन सोडा पीकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सुंदरी कौवी भी टुनटुनी को आवाज लगाती है। अरे ओ लेमन सोडा वाली, जरा इधर तो आना, कितने का लेमन सोडा दे रही हो? तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 35x1 कितने होते हैं। काकी बहुत सस्ता है, सिर्फ 5 रुपए में गिलास दे रही हूँ, बोलो कितने गिलास दे दो। अरे तुम लेमन सोडा बेच रही हो या सोना? बहुत महंगा है तुम्हारा लेमन सोडा, ऐसा क्या खास है लेमन सोडा में? अरे दीदी तुम तो रहने ही दो, मैं तो दीनू लाला कौवे की दुकान से लेमन सोडा की बोतल लेकर पी लूँगी। बेचारा बहुत सस्ते में सोडा पानी बेचता है, सिर्फ 2 रुपए की एक बोतल। टुनटुनी उसकी परी कोटी सुनकर वहाँ से अपना लेमन सोडा का ठेला लेकर चली जाती है। लेमन सोडा ले लो, लेमन सोडा, खट्टा मीठा सोडा ले लो, ठंडा ठंडा लेमन सोडा ले लो। पहले टुनटुनी के पिता लेमन सोडा बेचा करते थे, पर एक दिन चीलों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। जब वो लेमन सोडा बेचने के लिए ठेला बाजार ले जा रही थी, चीलों के हमले में टुन्नू पूरी तरह घायल होकर बिस्तर पर पड़ गया था। तब घर चलाने के लिए टुनटुनी ने लेमन सोडा बेचना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया ने गलियों में घूम घूम कर लेमन सोडा बेचा करती थी। एक दिन जब टुनटुनी लेमन सोडा बेच रही थी, तब अगले दिन कोई भी पक्षी उसका लेमन सोडा खरीदने नहीं आया। अरे गोलू क्या बात है, आज किसी ने लेमन सोडा नहीं खरीदा? हाँ दीदी, अब हम लोग आपका सोडा पानी नहीं पियेंगे। क्यों, क्या हुआ, किसी ने तुम्हें मना किया है मेरा लेमन सोडा पीने से? नहीं दीदी, आपका लेमन सोडा बहुत महंगा होता है, इसलिए आज से हम लोग लाल अंकल की सस्ता 2 रुपए वाली लेमन सोडा की बोतल पियेंगे। आपको पता है लाल अंकल के पास लेमन सोडा के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। टुनटुनी दिन भर लेमन सोडा का ठेला लेकर घूमती रही, पर किसी ने उसका सोडा पानी नहीं खरीदा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो 1 भी रुपए की लेमन सोडे की बिक्री नहीं हुई, पिताजी की दवा कैसे खरीदूंगी? उदास मन से टुनटुनी घर लौटती है। उसे उदास देखकर टुन्नू उससे पूछता है, क्या बात है बिटिया, जब से तू लेमन सोडा बेच कर घर आई है बहुत चुप चुप है, कोई बात है क्या, मुझे बता। अपने पिता के मुंह से इतना सुनते ही टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी आज 1 भी गिलास लेमन सोडा नहीं बिका, मुझे माफ कर देना, आज मैं आपकी दवा नहीं ला सकी। बाजार में एक नई लेमन सोडा की दुकान खुल गई है, सभी पक्षी उसी दुकान की लेमन सोडा की बोतल पीने लगे हैं, अब क्या होगा? तू घबरा मत बेटी। पिताजी इसी तरह चलता रहा तो घर का खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा। तू चिंता मत कर मेरी बिटिया, सब ठीक हो जाएगा, जब ऊपर वाले ने हमें मुंह दिया है तो आहार भी वही देगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन टुनटुनी को पता चलता है कि दीनू लाल को पुलिस पकड़ कर ले गई। टुनटुनी दीदी, ओ टुनटुनी दीदी, आपको पता है वो दीनू अंकल को पुलिस पकड़ कर ले गई, क्योंकि वो अंकल लेमन सोडा में रंग और स्वाद के लिए उसमें नकली और खतरनाक केमिकल का प्रयोग करते थे, जिसे पीकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई। कल से लूसी और गोलू की भी तबीयत खराब है। आज से हम लोग आपके लेमन सोडा के सिवा किसी और का लेमन सोडा नहीं पियेंगे। ये लो 5 रुपए और मुझे खट्टा मीठा सोडा देना। उस दिन टुनटुनी का सारा लेमन सोडा शिकंजी बिक जाता है, वो बहुत खुश थी। इस तरह गर्मी में लेमन सोडा बेच कर टुनटुनी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। पति को गुजरे कई महीने हो चुके थे। जब उसका पति अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके ऊपर बिजली गिर गई। उसे
उसी समय से टुनटुनी जब भी आकाश में बिजली चमकते देखती तो डर जाती। एक दिन टुनटुनी आकाश में काले काले बादल को देखकर डर जाती है। हे भगवान, आज आकाश में काले काले बादल छाए हैं। लगता है तेज बारिश होगी। मैंने अभी तक अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं की। अगर मेरा घोंसला बारिश में टूट गया तो पिंकी बेटा, ओ पिंकी बेटा, चल मैं तुझे तेरी बुआ के घर छोड़ कर आती हूँ, फिर घोंसले की मरम्मत करूँगी। मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं भी आपके साथ घोंसले बनाने में आपकी मदद करूँगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 23-15 कितने होते हैं। नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटी है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मेरी मदद करना। अब जल्दी चलो, बारिश होने ही वाली है। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर पास वाले जंगल में उसकी बुआ के घर पहुंचती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। लूसी दीदी, ओ लूसी दीदी, दरवाजा खोलो, मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ। टुनटुनी कई बार आवाज लगाती है पर लूसी कबूतरी दरवाजा नहीं खोलती। तभी टुनटुनी की नज़र लूसी के दरवाजे पर बंद ताले पर जाती है। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, दरवाजे पर ताला लगा है और मैं पागल की तरह तेरी बुआ को आवाज दे रही हूँ। मम्मा, चलो वापस घर चलते हैं। जैसे ही वापस अपने घर लौटने को होती है तभी बारिश और तेज होने लगती है और बिजली भी चमकने लगती है। दोनों माँ बेटी भागकर पास वाले घर में जाती हैं। वो घर कालू का था। अरे कोई है, दरवाजा खोलो, मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दे। कालू जी, जरा जाकर देखो तो इतनी तेज बारिश में कौन है। कालू दरवाजा खोलकर बाहर आता है और टुनटुनी को देखकर अपनी पत्नी से कहता है। सुंदरी जी, एक चिड़िया है, बारिश रुकने तक रहने के लिए जगह मांग रही है, क्या कहती हो। कालू जी रुको, मैं अभी आती हूँ। कौन कम वक्त बारिश में आया है, क्या है चिड़िया। मैं अपने घर में किसी अनजान को आने नहीं देती, लेकिन तुम्हारी बेटी पर तरस खाकर मैं तुम्हें थोड़ी जगह दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए किराया देना होगा। ठीक है बहन, ये मेरे पास भोजन की पोटली है, इसे आप ले ले और बारिश रुकने तक मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। सुंदरी भोजन की पोटली लेकर उसको उसकी बेटी को रहने के लिए अपने घर के अंदर जगह दे देती है। हे भगवान, जल्दी से ये बारिश रुक जाए। जैसे तैसे करके वो दोनों रात को सो जाते हैं। अगले दिन सुंदरी टुनटुनी के पास आती है और कहती है। ए चिड़िया, जल्दी उठो और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन सुंदरी बहन, बारिश अभी तक रुकी नहीं है, मैं इस बारिश में कैसे जाऊंगी। अच्छा तो आज का किराया दो, फिर मेरे घर रहो। पर सुंदरी बहन, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दफा हो जाओ यहाँ से, ये कोई अनाथालय नहीं है। सुंदरी टुनटुनी और उसकी बेटी को अपने घर से बाहर निकाल देती है और तेज बारिश में दोनों भीगने लगती हैं। तभी वहाँ हरी तोती आती है और उन्हें अपने घर ले जाती है। हरी तोती का घर लकड़ी का बना हुआ था। टुनटुनी बहन, मैं इस लकड़ी के घर में अकेली रहती हूँ, आप भी मेरे साथ रह सकती हैं। मैं इसका कोई किराया नहीं लूँगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया हरी तोती की लकड़ी के घर में खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। श्रीनगर नाम के गांव में टुनटुनी अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही सजने सवरने का शौक था, साथ ही उसे दूसरों को सजाना भी बहुत अच्छा लगता था। गांव में किसी की भी शादी हो, दुल्हन को सजाने के लिए टुनटुनी को ही बुलाया जाता था। टुनटुनी के माँ पिताजी गांव में ही खेती करते थे। अब उसकी उम्र शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन टुनटुनी की माँ टूनी अपने पति कालू से कहती है। सुनिए जी, टुनटुनी की उम्र शादी की हो चुकी है, कब तक दूसरों के हाथों में मेहंदी रचाएगी। अब हमें भी तो उसके हाथ पीले करने का सोच लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, मुझे इस बात की चिंता नहीं। मैं मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से और एक अच्छे परिवार में करवाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आखिर हमारी भी तो इकलौती लाडली बेटी है। टूनी और कालू अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगे। तभी कालू की बहन सुंदरी कौवी वहाँ आती है। भैया, मैं चाहती थी क्यों ना हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। मैं टुनटुनी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सुंदरी की ये बात सुनकर कालू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहन की बात को मान लेता है, क्योंकि सुंदरी का बेटा ब्लैकी एक अच्छा